बल्लमगढ़ विधानसभा में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत नारे का अपमान किस तरह यहां का शासन और प्रशासन कर रहा है, इसी की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा बल्लमगढ़ की मेन मार्केट से चंद कदम की दूरी का है, जहां ये गंदगी का ढेर यहां के वातावरण को दूषित कर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ के निवासियों ने कई बार इस परेशानी से शासन और प्रशासन को अवगत कराया है, इसकी शिकायत भी दी है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई हल नहीं हो पाया है। कुमारवाड़ा है, ये कुमारवाड़ा कहलाता है जी। जी, तो ये गंदगी जो बनी हुई है अभी से ही चल रही है जी, काफी समय हो गया है। लगभग कितना समय हो गया हो गए? 40-50 साल रहते हुए हो गए। तो ये देखना कभी इधर थोड़ा बहुत इधर हो जाता है या फिर इधर हो जाता है, मगर यहाँ से गंदगी हटती नहीं है, ऐसी रहती है। अब ये कैसे बनी हुई है वैसे, बनती कि कौन क्या करता है, क्या साल चल रही, कौन डालता है कूड़ा, क्या घरों से लाते हैं जो जमादार में वो रेहड़ियाँ लाते हैं तो इसे, और आमतौर से घरों में है वो अपने डालती है। जैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं तो अभी आपने शिकायत की किस बारे में? क्या तो है, जाती रहती है, आता भी उठता भी है, कभी कभी उठता भी है। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि हड़ताल चल रही है, पता ना आज दिन में उठाते उठाते जाते हैं, आसपास स्कूल भी है दो तीन गंदगी रहती है, यहाँ पर छोटे बच्चे बच्चे सारे बहुत परेशान रहते हैं बच्चा। आपको बता दे कि इस गंदगी के ढेर के सामने 100 साल पुरानी संस्था का जाना माना स्कूल भी है और साथ में पंजाब नेशनल बैंक भी है, जो इस गंदगी के ढेर को सहने को मजबूर है। जब हमने एक स्कूली छात्रा से बात की तो उसने बताया कि इस गंदगी से बहुत ज्यादा बदबू आती है, जिस कारण यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है, साथ में बीमारी होने का भय भी बना रहता है। जब स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पूछा तो छात्रा ने कहा कि ये सरकार के ढकोसले हैं, सच्चाई आपके सामने है। क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये जो गंदगी बनी हुई कहाँ पर बनी हुई है? तो क्या दिक्कत है बच्चों को यहाँ से होती है कुछ आने जाने में, जैसे गंदगी है तो मक्खी मच्छर बीमारियाँ फैलना लग जाती हैं। जैसे एक सरकार है कहती है तो ऐसे कहते हैं ना कि ये जो सरकार है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के जो अभियान चलाए हुए, क्या सच में सही है या फिर ये कुछ वैसी घोषणे बनाए हुए? नहीं, बस कहने के लिए बनाए, कुछ भी नहीं होता। वहीं इस जगह से गुजर रही रोहतक निवासी ने बल्लमगढ़ में स्वच्छता की पोल पट्टी को खोलकर रख दिया, कहा ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं देखी जहां हर जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, कभी रोहतक आओ तो दिखाएंगे कि स्वच्छता क्या होती है। मेरा नाम शिवचरण सैनी है। हाँ सर, मैं रोहतक से आया हूं। तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बल्लमगढ़ के अंदर इतनी गंदगी हमने कहीं नहीं देखी, हम बैठने के लिए क्या गाड़ी निकलनी मुश्किल हो रही है। हाँ जी, इतनी बदबू, इतनी गंदगी, हर जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। हमारा रोहतक देखो आके नंबर वन पे है। अच्छा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो किस कितनी गंदगी, मतलब क्या गंदगी देख रहे हो? मतलब मैं अब तक मार्केटिंग कर रहा हूँ, दो तीन जगह का ऐसा ही बुरा हाल है जैसे यहाँ देख रहे हैं आप। अच्छा, पार्किंग की यार पार्किंग यहाँ जगह कहाँ, पार्किंग की जगह तो गंदगी लगा है। वैसे फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में गिना जाता है, क्या लगता है? अभी अब फरीदाबाद से भी आए हैं वो स्मार्ट सूट नहीं, रोहतक नंबर वन पे है। कभी आप बल्लमगढ़ में स्वच्छता का नारा लगाने वाले नेताओं को लताड़ने के लिए फरीदाबाद बार एसोसिएशन की अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेत्री प्राग शर्मा मौके पर पहुंची और लोगों को सत्ताधारियों की नियत से अवगत कराते हुए कहा कि ये वोटों के खिलाड़ी हैं, इन्हें जनता से नहीं वोटों से मतलब है। प्राग शर्मा ने कहा कि जिनके शब्दों में ही स्वच्छता नहीं वो क्या अपनी विधानसभा को स्वच्छ रखेंगे। देखिए, आज हम यहाँ बल्लभगढ़ के अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास आए हुए हैं, जहाँ पे छोटे से लेके बड़े बच्चे तक पढ़ते हैं और ये लगभग 100 साल पुरानी संस्था है। यहाँ पे स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं और ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है, मेरे को लगता है ये बल्लभगढ़ का सबसे गंदा पॉइंट होगा जो हमने अब तक मुआयना किया है। और यहाँ स्पेशली क्योंकि अब जैसे भाजपा बोलती है कि स्वच्छता अभियान और पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां और
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लग रहा है ये सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता में आ गए और अब ये खोखले दावे करके इस सत्ता पे आसीन रहना चाह रहे हैं, लेकिन असली बात ये है कि ये जो दुर्दशा दिख रही है ये बयां करती है बल्लभगढ़ का असली दर्द। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो हमसे बेहतर ये बात बता पाएंगे कि उनके बच्चों को स्कूल में जब वो जाते हैं छोड़ने के लिए या बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कितनी गंदगी और कितनी बदहाली और बदबू से उन्हें गुजर के अपनी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जो हमारे स्थानीय विधायक हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी, ये वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमसे डिबेट कर लो और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने विकास की गंगा बहा रखी है, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है और यहाँ के स्थानीय निवासियों को समझ आता है यहाँ पे विकास की नहीं ये विनाश का नाला बह रहा है, यहाँ पे गंदगी जो इतनी है ये किसी नरक से कम नहीं है। और ये बात हम लोग अपने मुँह से नहीं कह रहे, ये जगह जो है ये फुटेजेस बयान कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि सफाई अभियान पे ये लोग करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे हैं, इको ग्रीन के नाम पे जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, ये सब इनका टोटल फ्लॉप शो हुआ है भाजपा सरकार का। और जो स्थानीय लोग हैं इनकी समस्याओं से जो हमारे स्थानीय विधायक हैं मूलचंद शर्मा जी, ये बिल्कुल भी एकदम अनभिज्ञ हैं, इनका कोई सरोकार नहीं है, ना तो इन्हें सफाई से मतलब है। और मैं इतना समझती हूँ कि अगर इनको अपने बल्लभगढ़ की जनता से थोड़ा बहुत भी प्यार या अपनापन होता तो ये खुद यहाँ पे दौरे करने आते, और इस तरह के जो यहाँ पे गंदगी और नरक का माहौल बना पड़ रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है इस चीज़ से, इस पर वो खासा ध्यान देते। अब देखना ये होगा कि क्या शासन और प्रशासन इस खबर को गंभीरता से लेते हैं या यूं ही अपनी आंखें बंद कर स्वच्छता के सपने लेते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और, भाजपा सरकार गोवंश की सेवा और सुरक्षा की बात तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर गोवंश की बेबसी आपसे छुपी नहीं है। ऐसे बहुत से कूड़े के ढेरों पर गोवंश सरकार की नीतियों की सेवा लेते हुए आपको मिल जाएंगे।